अब अच्छी झोप आए आपको तो इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ पथ्य बताया। सबसे पहला पथ्य ये है कि रात्रि को झोप लेने का समय पक्का करिए आप 9 बजे। तो 9 बजे आपको सोना है तो सुबह 6 बजे उठिए, बराबर झोप पूरी होगी। और अगर कुछ ज्यादा देर हो रही है तो 10 बजे सोइए, सुबह 7 बजे तो हर हालत में उठ जाइए। और 9 बजे के पहले सो सकते हैं 8 बजे तो सुबह 5 बजे उठ जाइए, 7 बजे सो सकते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाइए। समय नक्की करिए, ये पहला सूत्र है। दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है कि आपको शाम को अच्छी झोंक लेने की है तो झोप लेने से कम 2 से 3 तास पहले आपका भोजन होना चाहिए। अगर 9 बजे झोप लेना है तो 6 बजे आपको भोजन खाना चाहिए, 10 बजे झोप लेनी है तो 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि 10 बजे भोजन किया और सीधे झोपने के लिए लेट गए तो जरूर आपको हृदय घात होगा, कोई नहीं रोक सकता। डायबिटीज भी होगा, कोई नहीं बचा सकता। आर्थराइटिस भी होगा। खाना खाते ही जो सोने के लिए जाते हैं उनको बहुत तकलीफ आती है। इसलिए आयुर्वेद का नियम यह है कि जब भी आपको सोना है 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप तय करिए, उसके 3 तास पहले भोजन होना, ये है। मैं तो आपको एक सरल नियम बताता हूं कि शाम का भोजन आप उस समय कर लीजिए जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का समय जो है ना, शाम का भोजन कर लीजिए, फिर उसके 2-3 तास के बाद आप सो सकते हैं। तो ये नियम है। और दूसरा है कि आप जब सोने के लिए जाएंगे तो आपका जो सिर है और जो पांव है इसको किस दिशा में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में हमेशा आपका सिर रहना चाहिए और पश्चिम दिशा में आपके पांव रहने चाहिए। ये है नियम, पूर्व में सिर पश्चिम में पांव। और कभी कभी अगर इसमें कुछ बदल करना है तो एक ही बदल हो सकता है कि दूसरा आपको बदल करना है तो दक्षिण में सिर और उत्तर में पांव। कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। आपको मालूम है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका सिर हमेशा उत्तर की दिशा में किया जाता है, पांव दक्षिण में, क्योंकि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। मरने के बाद ही व्यक्ति का सिर उत्तर में किया जाता है, जीवित रहने पर नहीं। तो इसलिए इसका याद रखना बहुत जरूरी है, पूर्व दिशा में सिर पश्चिम में पांव, ये सबसे अच्छा है। और अगर कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है तो दक्षिण में सिर उत्तर में पांव कर सकते हैं। आज ही घर में बदल कर लीजिए, आपके घर का जो बिस्तर है, अगर आप चारपाई पे सोते हैं पलंग पे सोते हैं तो उसका सिर पूर्व दिशा में कर लीजिए, जमीन पे सोते हैं तो सबसे अच्छा, कभी भी आसानी से बदल किया जाता है। तो अच्छा झोंक लेना है तो पूर्व में सिर करिए, ठीक है। अब उसके आगे का एक पथ है कि जब आप झोंक लेने के लिए लेट गए तुरंत झोप आनी चाहिए आपको, ये नहीं कि ऐसे ऐसे बदल कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। बहुत लोग हैं आधा आधा तास ऐसे घूमते रहते हैं बिस्तर पे, झोप ही नहीं आती, तो इसका मतलब कुछ रोग है आपको। तो तुरंत आपको झोप आए इसके लिए एक बहुत सरल पथ्य है आयुर्वेद का कि आप जैसे ही लेट गए तो ये दाहिना नाक है ना, इसको बंद कर दीजिए और बाएं नाक से सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए, ऐसे करते हैं। बस 2-3
मिनट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया बहुत अच्छी झोंपड़ी, दो तीन ही मिनट इसका असर होता है, फिर सो जाइए, फिर कोई हरकत नहीं। अब आप पूछेंगे कि भाई सोने का कैसे है, सीधा सोना, पेट के बल सोना, पीठ के बल सोना, ऐसे करवट में, ऐसे करवट में। तो रात्रि को जब सोना हो तो पीठ नीचे पेट ऊपर, ऐसे ही सोना अच्छा होता है, अच्छी झोंक उसी में आती है। दोपहर को अगर आप सोना चाहते हैं भोजन के बाद, तो हमेशा ये जो बायां हाथ है ना, लेफ्ट, क्या कहते हैं, दावा, मराठी में दावा, तो दावा बाजू आपको लेटना चाहिए दोपहर को भोजन अंतर। तो दोपहर की झोंक लेनी है तो ऐसे करके लीजिए, रात्रि को दोनों हाथ फैला के सिर आसमान की तरफ, चेहरा आसमान की तरफ, पीठ के नीचे ऐसे सोना है, तो झोंक अच्छी आएगी, तो झोंक से होने वाले रोग कभी नहीं आएंगे, ठीक है।